बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मुरमुरे चिक्की की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही आसान है बनाना, इसे हम मुरुंडा भी कहते हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में, बहुत ही कम टाइम में आप बिल्कुल वैसे ही बाजार वाली कड़क चिक्की कैसे बना सकते हैं, चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिया गया लाल बटन उसको प्रेस कर दें और बेल आइकन जो साथ में दिया हुआ है उसे भी प्रेस करना मत भूलें, ताकि हर मेरी आने वाली नई रेसिपी आप देख सकें। सबसे पहले हम मुरमुरों को अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे। मुरमुरे हमारे रोस्ट हो चुके हैं। चलिए इसके बाद अब हम पैन में तकरीबन 1 टीस्पून बटर डाल देंगे। मैंने देसी घी डाला है और इसमें मैं तकरीबन 1/2 कप गुड़ शामिल करूंगी और इसे अच्छे से हम पिघला लेंगे। पानी हमने शामिल नहीं किया, बगैर पानी शामिल किए हमने गुड़ को पिघला लेना अच्छे से। ये देखें गुड़ जो है अब अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम इसे लेंगे और पानी में हम डाल देंगे इस तरह से, और 2 से 3 सेकंड के लिए इसे ऐसे ही रहने देंगे। ये देखें अगर ये इस तरह से स्टिकी हो इस तरह से, इसका मतलब हमारी चाशनी अभी ठीक से पकी नहीं है। इसे थोड़ा सा और पका लेंगे। दस मिनट मज़ीद हम इसे कुक कर लेंगे। मैंने इसे मज़ीद कुक कर ली है और इसके बाद हम इसमें मुरमुरे शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। वर्किंग सरफेस को मैंने अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लिया था और इसके ऊपर हमने अपना जो मिक्सर बनाया हुआ था वो इस पर मैंने फैला दिया और उसके ऊपर से इस तरह से बटर पेपर रख के बेलन की मदद से आप इसे बेल लें ताकि इसकी साइड जो है वो बराबर हो जाए। चलें इसके बाद अब हम इसकी टुकड़ियां काट लेंगे। जो साइज आप बनाना चाहें, ज़्यादा बड़ा पसंद है तो आप ज़्यादा बड़ी काट लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा अगर ये गरम गरम हो तो फौरन ही काट लें, जैसे ये ठंडी होनी शुरू होंगी तो ये वैसे कट नहीं पाएंगी जैसे हम इसे शेप देना चाहते हैं, बहुत मुश्किल होगी फिर काटने में। लीजिए हमारी मुरमुरे चिक्की तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही ये कड़क बनी है, हम इसे तोड़ के दिखाते हैं। ये देखें बहुत ही कड़क बनी है, ये देखें बिल्कुल जैसे हम मार्केट में हम लेते हैं वैसे ही बनी है कड़क वाली। मेरी रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें ताकि हर नई आने वाली रेसिपी आप देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।